हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग में पॉइंट का वायर कैसे डालते हैं, जैसे फैन का हो गया और लाइट का हो गया। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सरवरे आलम और ऐसे इलेक्ट्रिकल चैनल पर आप लोगों का वेलकम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट का वायर डालने के लिए हम 1 mm का वायर यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं, येलो हमारा फेज हो जाएगा, ब्लू हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 12 मार्डोर का बोर्ड है जिसमें हम पहले ही सर्किट का वायर डाल चुके हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सीलिंग में आप देख पा रहे हैं 2 कंसील बॉक्स, ठीक है, और 1 फैन बॉक्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और वॉल में यहाँ पे भी 2 लाइटें हमें वॉल में लगाना है और इस 12 मॉड्यूलर बोर्ड से हमारा ऑपरेट होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, इस साइड में भी हमें 12 मॉड्यूलर बोर्ड से ऑपरेटिंग करना है, इसमें भी हमें लाइट का पॉइंट देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, पॉइंट का वायर हमने ले लिया है 1 mm का, ठीक है, रेड और ब्लू। उसके बाद स्टील वायर हम डाल दिए हैं, ठीक है, कंसील बॉक्स में। अब उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, स्टील वायर में हम वायर को बांधेंगे और अच्छी तरीके से खींच लेंगे। देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारा स्टील वायर आ चुका है इस वाले बॉक्स में, और इस वाले बॉक्स से हम डालेंगे, ठीक है, दूसरे बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे फैन बॉक्स में आया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हरा कलर का हम एक एक्स्ट्रा वायर बांध रहे हैं, देख सकते हैं, उसका यूज हम बताएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों वायर को खींच लेना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे 12 मॉड्यूलर बोर्ड तक ले जाना है, ठीक है। अब दोस्तों वहाँ पे देख सकते हैं, बंदे जो हैं खींच रहे हैं, तो उसके बाद खींच लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जंक्शन के थ्रू देख सकते हैं, स्टील वायर हमने डाल दिया है। वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, 12 मॉड्यूलर बोर्ड तक हम खींच लिए हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमने टेप लगाया है, ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पे गाइज आप देखेंगे, जो एक्स्ट्रा वायर हमने हरा कलर का डाला है, देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको फंसा, ठीक है, क्योंकि वायर खींचने में ये निकले ना। अभी इसका यूज हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है, ये कहाँ पे यूज करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो वायर है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से खींच लेना है। यहाँ पे न्यूट्रल हमारा लूप हो जाएगा, देख सकते हैं, फैन का लाइट का न्यूट्रल हम लूप करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जो वायर है अच्छी तरीके से यहाँ पे हम खींच लिए हैं। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, ठीक है, येलो कलर का हम खींच लिया और हमारा ब्लू कलर का न्यूट्रल यहाँ पे लूप हो जाएगा, ठीक है, इस लाइट का और इस लाइट का, ठीक है, लूप हो जाएगा। अब यहाँ पे वायर हम कट कर देंगे, देख सकते हैं, अब एक हमारा पॉइंट हो चुका है इस वाले लाइट का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमने वायर डाला था, जो 12 मॉड्यूलर बोर्ड तक वायर ले गया था, ठीक है, उसको हमें खींचना है। देख सकते हैं, इस प्रकार से खींच लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसलिए मैंने पहले डाला था क्योंकि वायर हमारा अच्छी तरीके से मेजरिंग हो जाए, ठीक है, तो इस तरह से खींच लेंगे। अब दोस्तों इसका बेनिफिट आप लोगों को बतलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले लाइट का, ठीक है, यहाँ पे हमें एक फेस का वायर डालना है, यानी लाइट का, देख सकते हैं, येलो कलर का वायर हम डाल रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, स्टील वायर डाले हैं, बांध देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम खींच लेंगे। अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो आ चुका है, ठीक है, न्यूट्रल हमारा लूप है, ठीक है। अब इस प्रकार से दोस्तों अच्छी तरीके से इस इन वायरों को बांध देंगे, और जो हमारा हरा कलर का वायर था, ठीक है, इसको हम खींच लेंगे, ठीक है, फैन तक हमको कर लेना है, ठीक है। अब देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, 2 लाइट का हमारा यहाँ पे पॉइंट का वायर हो चुका है, ठीक है। अब जितना वायर जो हमने खींचा था, ठीक है, इस वाले वायर को अच्छी तरीके से नाप लेंगे, इस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि पहले ही जो हमने वायर नापा था उसके बराबर में हम इसको कट कर लेंगे, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब फैन का भी वायर लेंगे यहीं से, यानी फेस का, ठीक है, न्यूट्रल तो हमारा लूप है, अब फैन का भी लेंगे, और उसके बाद ये जितना वायर है देख सकते हैं, अब उसके बाद दोस्तों इस तरह से नाप लेंगे, देख सकते हैं, यानी मेजरिंग कर लेंगे वायर को, ठीक है, क्योंकि एक ही साथ ये पूरा वायर डालना है, तो इसलिए दोस्तों बराबर बराबर हम नाप लेंगे। अब वॉल में भी हमें एक लाइट का पॉइंट देना है, तो चलिए इसका भी हम वायर डाल देते हैं, ठीक है, सेम उसी प्रकार से। अब देख सकते हैं, स्टील वायर में हम, ठीक है, वायर को बांध देंगे इस प्रकार से। अब स्टील वायर डालेंगे, देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारा एक जंक्शन है वॉल में, अब स्टील वायर हमारा आ चुका है इस प्रकार से, देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं, वायर को हम अच्छी तरीके से छोड़ा लेंगे और वायर को बांध देंगे, और बैक साइड में जो एक्स्ट्रा वायर है हम खींच लेंगे इस प्रकार से, देख सकते हैं। अब वॉल में हमारा लाइट का पॉइंट हो चुका है, अब वायर को अच्छी तरीके से मेजरिंग करके कट कर लेंगे, न्यूट्रल हमारा लूप रहेगा। तो देख सकते हैं, सीलिंग में 2 कंसील लाइट का वायर डाल दिया है, फैन का, और एक वॉल में हमारा जो वायर है हम देख सकते हैं,
लाइट का यहाँ पे वायर डाल दिए हैं। इस तरह से वायर मेजरिंग करेंगे, कट करेंगे, देख सकते हैं। ठीक है, कट करने के बाद हम वायर, ये टोटल वायर 12 मॉड्यूलर बोर्ड तक ले जाना है। अब देख सकते हैं वायर हमने कट कर लिया, यानी हमारा 3 लाइट का एक वाल में हुआ है और 2 सीलिंग में और एक फ़ैन का। इधर हमारा 4 हमारा हाफ वायर हो गया। ठीक है, न्यूट्रल हमने लूप किया है। अब दोस्तों जो हरा कलर का वायर था, देख सकते हैं इस वायर में हमें ये टोटल वायर को बांधना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। अब उसके बाद दोस्तों इस हरा वाला वायर को खींच लेंगे, देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले देख सकें। अब यहाँ पे वायर जो है हमने खींच लिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा वायर जो हमने बांधा था आप देख सकते हैं सीलिंग में दोनों लाइट का डाल दिए हैं, फ़ैन का डाल दिए हैं, वॉल का भी देख सकते हैं हो गया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है, ठीक है, तो इन सारी वायरों को हमें इस प्रकार से खींच लेना है, देख सकते हैं। ये तरीका दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये वायर है, देख सकते हैं एक साइड का टोटल वायर हमारा यहाँ पे इस बोर्ड तक आ चुका है। केवल हमें एक और लाइट का पॉइंट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कम्प्लीट हो चुका है यहाँ। उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा जो वायर है यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड वायरिंग में हमारा यूज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें एक और लाइट का यानी पॉइंट का वायर डालना है। ठीक है, तो चलिए उसका भी हम डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर उसका भी हमने बांध दिया है, न्यूट्रल और फेस, देख सकते हैं। अब ये टोटल वायर दोस्तों हमारा जाएगा बोर्ड तक। ठीक है, बोर्ड के अंदर अब इस प्रकार से देख सकते हैं वायर अच्छी तरीके से हम डाल दिए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए वायर हमारा आ चुका है इस बोर्ड के अंदर। ठीक है, अब कम्प्लीटली दोस्तों हमने पॉइंट का वायर डाल दिया है। किस तरह से डाला जाता है आप लोगों ने देखा, इस प्रकार से ही डाला जाता है। अब दोस्तों उसके बाद इसे अच्छी तरीके से बांध देंगे। अब दोस्तों इस बोर्ड से देख सकते हैं टोटल हमारी येलो कलर की वायर हाफ वायरें हैं, लाइट का, फैन का, और ब्लू हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो न्यूट्रल है हमने लूप कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं 12 मॉड्यूलर का बोर्ड है, सीलिंग में 2 लाइट का, एक फ़ैन का, वॉल में एक लाइट का, सेम उसी प्रकार से वायर हमें डालना है जिस प्रकार से ये वायर हमने डाला है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं इस कंसील बॉक्स में स्टील वायर हमने डाल दिया है। अब उसके बाद पॉइंट का वायर बांधेंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे, देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इधर आ गया हमारा स्टील वायर, इसको भी हम खींच लेंगे। अब इसमें देख सकते हैं हरा कलर का वायर हमने एक्स्ट्रा बांध दिया है। अब दोस्तों हम 12 मॉड्यूलर बोर्ड तक इस वायर को ले जाएंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से लाएंगे और मेजरिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमें कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, एक्स्ट्रा जो वायर है हम खींच लेंगे इस प्रकार से, देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा हरा कलर का वायर तो है अभी यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर का जो वायर है, ठीक है, 1 mm में, ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, तो हमें न्यूट्रल लूप करना है दोनों लाइट का, फैन का। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूट्रल हम लूप कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस वाले लाइट का हमारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वायर को अच्छी तरीके से बांध देंगे, देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आप देख लीजिए जो वायर हमने बोर्ड तक डाला था येलो कलर का, देख सकते हैं पॉइंट का, उसको हमने खींच लिया है। ठीक है, और मार्किंग हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं इस साइड से हम वायर खींच रहे हैं, देख सकते हैं इस लाइट के लिए। ठीक है, अब ये जो वायर हमारा यहाँ पे आ चुका है और जो वायर हमने खींचा था उसके बराबर में हमें इसे मेजरिंग कर लेना है, क्योंकि वो बोर्ड तक हमने पहले ही मेजरिंग कर लिए हैं। ठीक है, वायर कट कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए एक और वायर हम लेंगे इस लाइट के लिए। ठीक है, और जो हरा कलर का वायर है देख सकते हैं उसमें हम ये बांध दे रहे हैं, क्योंकि हरा कलर का जो वायर हमने डाला है एक्स्ट्रा वायर है। ठीक है, अब दोस्तों इस वायर को अच्छी तरीके से हम खींच लेंगे, यानी इन टोटल वायरों को हमें बोर्ड तक ले जाना है, 2 लाइट का, ठीक है, 1 फैन का, ये टोटल वायर हमें ले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम खींच लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड तक हमारा आ चुका है। ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं न्यूट्रल हमारा 1 हो गया। अब ये 3 हमारा 2 लाइट का, 1 फैन का हो गया, एक और हमें डालना है। अब यहाँ पर वायर हम कट करेंगे, तो इस प्रकार से दोस्तों वायर डाल देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे एक और वॉल में हमें लाइट का पॉइंट देना है। ठीक है, तो इसका भी वायर हम डाल देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन वायरों को अच्छी तरीके से आपस में हमें टिपिंग करना है। ठीक है, लाइट का भी, ठीक है, जो हम लाइट का पॉइंट देंगे उसका भी, और बाकी टोटल वायर को अच्छी तरीके से इस जंक्शन के थ्रू हमें डालना है नीचे बोर्ड तक, देख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमारा वायर जो है टोटल वायर आ जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों।
अब ये टोटल वायर हमारा यहाँ पे आ चुका है। यानी आपने देखा कि गाइस किस तरह से पॉइंट का वायर डाला जाता है, जैसे फ़ैन का, लाइट का, ठीक है। इस वाले 12 मार्डोर बोर्ड में और उस वाले 12 मार्डोर बोर्ड में, दोनों बोर्ड में हमने अच्छी तरीके से पॉइंट का वायर डाल के आप लोगों को दिखलाया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही।